जिस काम के लिए हम इतना दूर गए वो काम ही नहीं हो पाया, तो इतना दूर जाने का क्या ही मतलब। सो चलिए, हम लोगों के साथ आज हम जाने वाले हैं उज्जैन, और इंदौर भी हम लोग जाएंगे। सो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, प्लस मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम मेरा नहीं हो पाया, बट इट्स ओके। सो या हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी, एंड सबसे पहले हम जाएंगे उज्जैन, और यहाँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पहुँच जाते हैं महाकाल की नगरी के अंदर, और हम जा रहे हैं मंदिर। सो मैं आपको ले जाती हूँ। ये आ गया है महाकाल लोक। लिटरली इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब अगर हम खड़े रहते तो आई थिंक शाम तक भी हम दर्शन नहीं कर पाते, और अनफॉर्चुनेटली हमें बिना महाकाल के दर्शन किए हुए ही वहाँ से आना पड़ा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि मैं स्पेशली इसी चीज़ के लिए गई थी। बट या मुझे और भी कुछ काम था सो मैं नहीं रुक पाई। एंड चलिए अब हम इंदौर चलते हैं। सो इंदौर मुझे जाना है मॉल में, जो कि मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। सो फाइनली हम इंदौर पहुंच गए, एंड थोड़ा सा मॉल दूर है यहाँ से, बट कोई ना, हम चलते हैं मॉल, और बहुत ही अच्छा मॉल है। मैं ऑलरेडी एक बार पहले जा चुकी हूँ, बट या सेकेंड टाइम फिर मैं आज जा रही हूँ। सो हम गए थे फिनिक्स सिटाडेल, एंड ये मॉल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका जो भी इंटीरियर है वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस मॉल में आपको सारे ही ब्रांड मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छा मॉल है, मतलब जो आपको आई थिंक इंदौर में कहीं नहीं मिलेगा वो सारे मॉल भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको मैप मिलता है जिससे आपको जहाँ पे भी जो भी शॉप चाहिए, जो भी ब्रांड चाहिए, वो यहाँ पे आप चेक करके और जा सकते हैं। सो मैं फाइनली मॉल में एंटर कर चुकी हूँ, एंड लिटरली इतना कंफ्यूजिंग है, बट या आप अगर एक दो बार जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इतना टफ भी नहीं है ढूंढना, बट या थोड़ा सा मुश्किल है। सो सबसे पहले मैं गई थी जूडियो क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, एंड जूडियो में भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। एंड यहाँ के मैं आपको थोड़ा सा इंटीरियर दिखा रही हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि ये मॉल किस तरीके का है, क्योंकि जस्ट ये आई थिंक 7 to 8 months पहले ही ओपन हुआ है, एंड जूडियो से मैंने कुछ शॉपिंग करी थी। सो यू गाइस सी कि मैंने कुछ ख़रीदा है, सो वो मैं आपको किसी शॉर्ट्स में दिखाऊंगी कि मैंने जूडियो से क्या परचेज किया था। बहुत ही चीप प्राइस में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो जब भी इस मॉल में जाओ एक बार जूडियो ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि मुझे जूडियो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, एंड बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड हैं यहाँ पे, मतलब मैंने बहुत सारे चेक किए थे। H&M में भी मैं गई थी, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ज़ारा अभी तक यहाँ ओपन नहीं हुआ है, बट यहाँ फिर भी आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे एडिडास मिल जाएगा, मैंगो मिल जाएगा, होम सेंटर मिल जाएगा, मैक्स, H&M, लाइफ स्टाइल, शॉपर्स मिल जाएगा, और भी बहुत सारे ब्रांड थे। सो वो आप चेकआउट करना। मिनीसो भी मैंने यहाँ का चेकआउट किया था, एंड गाइस एक और कोई ब्रांड था जो कि मतलब DIY करके कुछ नाम था उसका, और वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्योंकि वहाँ पे ना आपको बहुत सी लिटिल सी चीज़ें मिलेगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो मैं अभी आ चुकी थी H&M में, एंड यहाँ का आउटलेट बहुत ही अच्छा है, बट या बहुत कॉस्टली लगा कंपेयर टू जूडियो। जूडियो थोड़ा सा चीप है, बट या यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्राइस हाई था। सो मैं अभी मेंस वेयर में चेक कर रही थी, एंड देन बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। H&M में आपको लॉट्स ऑफ वैरायटी के कलेक्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे यूनिक कलेक्शन मैंने यहाँ पे देखे। एंड ऑल्दो गाइज आपको यहाँ पे बैग का कलेक्शन बहुत ही प्यारा मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको जो भी टी शर्ट्स वगैरह के कलेक्शन बहुत ही अच्छे थे, ज्वेलरी का कलेक्शन भी अच्छा था। ऑल्दो गाइज मुझे एक सनग्लासेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, बट वो सनग्लासेस 2600 का था। आई नो ले सकते थे, बट या मुझे थोड़ा वर्थ इट नहीं लगा क्योंकि एक सनग्लासेस में इतना इन्वेस्ट करना मुझे ठीक नहीं लगा। अदरवाइज प्राइस के अकॉर्डिंग देखो तो क्वालिटी अच्छी थी, एंड ये कुछ हील्स का कलेक्शन भी यहाँ पे है, फ्लैट का कलेक्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, साइजेस भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी आपको यहाँ पे।
मॉल का इंटीरियर इतना ब्यूटीफुल है कि हर जगह कोई ना कोई पिक लेने का मन करता है। मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट मॉल लगा ये, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसका इंटीरियर डिज़ाइन है एंड पर्सनली बहुत ही अच्छा है। मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगी कि एक बार ज़रूर जाइए। एंड देन थर्ड फ्लोर पे आपको सारे खाने के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको वेज नॉन वेज सारी वेराइटीज़ मिल जाएगी, सो आप अपने अकॉर्डिंग अपना मील डिसाइड कर सकते हो। एंड H&M तो मेरा पर्सनली फेवरेट है। एंड यहाँ पे आपको शुगर भी मिल जाएगा और बहुत सारे ब्रांड थे, सो Forever 21 भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड मिस्टर DIY, जिसमें मैंने बहुत सारी क्यूट क्यूट सी चीज़ देखी थी, मतलब मुझे इतना लिटरली ये पसंद आया कि यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। अगर आप कुछ लेना चाहते हो DIY के लिए, सो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इजीली आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। एंड बहुत ही अच्छा लगा, मतलब जो चीज़ें कभी देखी नहीं थी वो भी यहाँ पे देखने को मिली। एंड थोड़ा सा यूनिक था, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। सो कॉस्टली तो नहीं कह सकती ज़्यादा, बट ठीक है, ओके था। एंड मिनीसो का भी यहाँ पे स्टोर दिखा मैंने, बट मिनीसो बहुत ही छोटा स्टोर था, मतलब जितना मुझे एक्सपेक्टेशन था उतना मुझे मज़ा नहीं आया मिनीसो में। बट या उसके कंपैरिजन में बहुत सारी शॉप थी। आई थिंक मार्केट 99 भी था, सो वो भी अच्छा था। एंड अभी तक बहुत सारी शॉप ओपन नहीं हुई है, अभी काम चल रहा है, सो लेट्स सी कब तक ओपन हो जाती है। एंड मुझे ज़ारा का भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि मुझे ज़ारा का कलेक्शन पर्सनली अच्छा लगता है, सो मैं वो भी देखना चाहूँगी। एंड या गाइस, ये था आज का हमारा व्लॉग। सो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और अभी व्लॉग की एंडिंग होना बाकी है, सो आप लास्ट तक इस व्लॉग को ज़रूर देखना।